दोस्तों आवाज़ आ रही होगी, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ गजपुरी टोल टैक्स को, लेकिन इनकी मशीनें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। लोग ऐसे फंसे रहते हैं, हारन बजाते रहते हैं, आवाज़ आ रही होगी, देख रहे हैं। एक तरह से कबाड़ा ऐसे लगाया गया है इनकी मशीनों में, लोग 10-10 मिनट फंसे रहते हैं। और यहाँ मैं देख रहा हूँ 10-15 मिनट हो गया जो है, एक गाड़ी नहीं निकली सामने वाली, ये देखिए इधर भी फंसे हैं। और दोनों गाड़ी बैंक की हैं जो है, देख सकते हैं भारत सरकार, पीछे कैमरा वैमरा लगा हुआ है, इधर भी देखें उधर भी देखें, अब दोनों गाड़ियाँ यहाँ फंस गई हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने देखा था 3-4 लोग इनके जो डंडे लगे रहते हैं बाहर टोल टैक्स बाहर, हाथ से खड़ा कर रहे थे इस तरफ वाली पे, अब इधर भी लग रहा है ख़राब हो गया है, आपके सामने है। और अभी 1:15 पहले से मैं ये गाड़ी दिखा रहा हूँ, इसके पहले 4-5 मिनट पीछे फंसा था, तब जाके मैंने मोबाइल उठाया और देख सकते हैं ये गाड़ी अब भी आपके सामने खड़ी है। इसी टोल टैक्स पर बहुत धरना प्रदर्शन हुआ था, ये देखें अब लगभग 2 मिनट होने वाले हैं लेकिन ये गाड़ी अब भी नहीं निकली, अब भी इनका कबाड़ा सिस्टम ठीक नहीं हुआ। इधर भी फंसी हैं कई गाड़ियाँ, इधर ही फंसी हैं, हर लेन पर यही हाल है इनका। देखें उधर ही फंसी है, ये देखें ओ भी गाड़ी भारत सरकार, ए भी गाड़ी भारत सरकार, और भारत सरकार इस कबाड़ा टोल टैक्स पर फंस गई है। घंटी बजा रहे हैं लोग, बार बार हॉर्न बजा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो गया क्या नहीं। दो मिनट 42 सेकेंड हो गए, लग रहा है 3 मिनट भी हो जाएंगे, एक गाड़ी नहीं निकल पा रही दोस्तों, 3 मिनट में एक गाड़ी नहीं निकल पा रही, आप समझ सकते हैं कैसा टोल टैक्स हो गए। देखिए 3 मिनट से भी ऊपर हो गया, एक गाड़ी नहीं निकली। बताया जा रहा है इनका सिस्टम बहुत ही खराब है, देखें उधर ही फंसी है, उधर ही फंसी है। पीछे के लोग आवाज़ दे देकर हॉर्न बजा बजाकर वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ टोल काटा जाता है, पहुँच रहे हैं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। एक भाई साहब गए हैं, ये देखिए देखिए 4 मिनट हो गया, उधर की मशीन थोड़ा शायद सही हो गई है, निकल गई वो गाड़ी, लेकिन इधर वाली अब भी फंसी है, इधर भी फंसी है। देखें लोग गाड़ियों से उतर उतर पहुंच रहे हैं कि क्या हो गया, ये देखिए आप देख रहे हैं 5 मिनट हो गया और एक गाड़ी नहीं निकली, ये देखें 5 मिनट हो गया एक गाड़ी नहीं निकली, ये देखें
अब आप समझ सकते हैं, आपसे पैसे भी लिए जा रहे हैं, एक तरफ के 110 रुपए शायद हैं, और 5 मिनट। दोस्तों आप सभी से नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, हम हैं गदपुरी टोल प्लाजा पर, और यहाँ पर देखिए जो बैरियर बनाए गए हैं वो इतने घटिया है, इतने कबाड़ा है, वो खुलते ही नहीं है। जो सेंसर लगाया हुआ है वो भी बहुत खराब है, सेंस नहीं कर पाता, और इसी वजह से जाम लगा है। 5-10 मिनट हो गए ना तो ये खोल रहे हैं, वैसे तो 3 मिनट अगर कुछ टेक्निकल खराबी आ जाए या जाम लग जाए या कोई लाइन में खड़ा हो तो टोल को फ्री कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। यहाँ पर पूरी मौज ली जाती है, पूरी तरह से पब्लिक की परवाह नहीं कि कोई लाइन में लगा है, कोई परेशान हो रहा है, उसकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। अभी आप लोग देख रहे हैं ये बैंक की गाड़ी है और वो भी फंसी पड़ी है, और ये नहीं कि एक ही लेन खराब हो, सभी की सभी लेन खराब है। भारत सरकार जो सेंसर है पूरी तरह से खराब है, वो सेंस नहीं कर पाता, जो फास्ट टैग होता है उसको जल्दी से सेंस कर लेना चाहिए, लेकिन दो दो तीन तीन मिनट लग जाते हैं एक एक गाड़ियों का सिर्फ फास्ट टैग सेंस करने में, और कई बार वो सेंस नहीं कर पाता तो लाइन लग जाती है, जाम लग जाता है। अभी ये बैंक की इधर सारी गाड़ियां फंसी, बैंक की गाड़ी फंसी पड़ी है, हमने 5-7 मिनट वेट किया, उसके बाद हमने लाइव किया है। टोल वाले देख लें, वैसे तो फरीदाबाद न्यूज को सभी फॉलो करते हैं, आप लोग थोड़ा सीरियसली काम कीजिए, अच्छी मशीनें लगाइए, अच्छा सेंसर लगाइए आप लोग, पब्लिक परेशान हो रही है, सरकार थोड़ा ध्यान दे, पीछे लंबी लाइन लग गई है बताया जा रहा है, सरकार थोड़ा ध्यान दे, यहाँ पर जो सेंसर लगाए गए हैं उनको जल्दी से ठीक करवाए, घटिया क्वालिटी के सेंसर हैं जो सेंस नहीं कर पाते फास्टैग को। ये गाड़ी 10 मिनट से फंसी पड़ी है, इनको फ्री कर देना चाहिए, बैरियर को उठा देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, पीछे काफी लंबा जाम लग गया है, ये देखें कितना लंबा जाम लग गया है पीछे, हर तरफ हर लेन बंद है, और ये देखें क्या, ये देखें काफी लंबा जाम लग गया है इस कबाड़ा टोल टैग पर, जो कि हाल तार में ही बना हुआ था, ये देखें ये अब भी नहीं निकली, 8 मिनट हो गया, लोग चिल्ला रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, ये देखिए पूरे टोल टैक्स फरीदाबाद पलवल के बीच में है, 1/2 किलोमीटर ज़्यादा लंबी लाइन लग गई है, ये देखिए, ये देखिए भाई साहब, कितनी देर से फंसे हैं आप यहाँ? 15 मिनट तो 15 मिनट हो गया ना, कबाड़ा टोल टैक्स लग रहा है जो कि अभी हाल ताज में ही बना था शायद 5-7 महीने पहले जो है, और यहाँ 1/2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, देख रहा हूँ जो है दोस्तों, देख रहे हैं जो है सिस्टम कबाड़ा, सिर्फ पैसा वसूलना जानते हैं लोग जो है, जिसका भी टोल टैक्स हो, काफ़ी विवाद हुआ था तब, पूर्व हुआ था हरियाणा तब से पुष्पेंद्र सिंह, अब खुला है हरियाणा तब से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत।